बाबर आजम नहीं था, बाबर आजम होते तो थे, हमें बाबर आजम चाहिए। अकेला बाबर नहीं, रिजवान बाबर होता है तो सारे खड़े होते हैं, वो कॉन्फिडेंस देता है, वो हमारी पूरा वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अभी इनको एक्सपीरियंस कम है, अभी आप देखना अगले मैच में इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। दिल टूटा कि नहीं टूटा, हमारी टीम ना अभी भी उम्मीद है, दो और एक और मैच है उसमें पता चल जाएगा, इंशाल्लाह हम ही फाइनल में जाएंगे। फिक्र ना करें, पहली बार जीते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, हम ही जीते आए, आज भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम इतने साल से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगले दो मैचेस में जीतोगे, लेकिन ये मैच हार पे दुख नहीं हुआ? बॉयज अपने कोई बात, गिफ्ट किए आप बताए, परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? परेशानी नहीं है, हार जीत जो है ना गेम का हिस्सा होती है, आगे भी मैचेस हैं, इंशाल्लाह अगले मैचेस में हम जीतेंगे, और ये पहला मैच था इंशाल्लाह। आपको रीजन क्या लगती है कि यंग टीम थी इसलिए हारे हैं? जी यंग टीम थी और बहुत सारे रीजन है, लेकिन बेसिकली जब पहली विकेट जो है आपकी मुसलसल बीमार है, और जब आएगा ये तो पहला गेम है, गेम तो आएगा अभी और भी आएगा इंशाल्लाह, दो गेम और रहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेगा। और चाचा नहीं उस इसके लिए ये अच्छी बात है कि चाचा नहीं आया, अगर चाचा आता ना तो कुछ भी ना होता ग्राउंड में, हम कुछ बात करेगा। अच्छा ये लोग बोलते बाबर आजम नहीं आया, पहला मैच में भी बाबर आजम पहला बॉल पे आउट हो गया, इस बार इसलिए नहीं लिया, मुश्किल नहीं है, रमजान था, हमारा भी रमजान था, शायद ये लोग रमजान कहा होगा पाकिस्तानी, इसलिए नहीं जीत लिया। आप अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान की बॉलिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत हमारा सारा बॉलिंग पे था, फोकस बॉलिंग पे था। आप बताएं हुआ क्या है? मैच तो टफ मैच हुआ, लेकिन अफगानिस्तान भी टफ मैच हुआ है, अच्छा मैच हुआ है, आउट हुए कहां, लेकिन फिर भी बॉलिंग अफगानिस्तान ने अच्छी बॉलिंग किया, जबरदस्त बॉलिंग किया, फील्डिंग अच्छी थी, और आज होया कि ये आज जो भी हुआ लेकिन अच्छा हुआ है, मतलब देखिए अच्छा कहां पे हुआ है, अच्छा इसलिए हुआ है कि अफगानिस्तान भी खेलने आई है, आप ये ना समझे कि पाकिस्तान खेलने, पाकिस्तान के काफी लोग, ये बात माने, एक बार मेरी मेरा सवाल सुन लो, आप ये बात माने, शाहीन, बाबर, हारिस, हसनैन, इनका ना होना, रिजवान का ना होना आपको महंगा पड़ा है? बिल्कुल महंगा, इससे कोई इनकार नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं, आधी टीम डेब्यू कर रही थी, फिर भी अच्छा खेले, बहुत जबरदस्त खेला है, लेकिन ये है कि हार जीत उनके सीनियर प्लेयर थे, देखें अब अफगानिस्तान को इतना लाइट मत लें, अफगानिस्तान सीनियर प्लेयर के साथ आई, लाइट ही लेता, इसलिए तो मैंने तो पहले से शोर किया था कि हमें इस कदर सात बंदे बिठा के टीम नहीं लेके जानी चाहिए। ये बात आपके चेक हो रहे हैं बहुत अच्छा, ये एक मिनट आगे आई आज रियलिटी चेक हो गया, फिर नहीं चेक हो गया, लड़कों में स्पिरिट है, वो लड़के खेलेंगे और अच्छा खेलेंगे, यही लड़के अगले मैच में खेल के दिखाएंगे, यही लड़के कम बैक करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, आज बैड लक हुई है, हमारे तीन प्लेयर्स अच्छे से नहीं जज कर पाए गेम को, गेंद को, कितने खुश हैं, बॉल अच्छे से नहीं जज, तुम आ गए, मेरी बात सुनो अफगानिस्तान की टीम आज उन्होंने हमें काबू करके खेला, ये तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल वो बहुत अच्छा खेले, ये हमारे भाई है, कोई बात नहीं, जीत देखे, आइए देखे सारे कितने खुश जा रहे हैं, अगर इन लोगों को फिर हरा देते वो हमारी रिवायत कायम थी, फायदा नहीं था, कोई बात नहीं, हमारे यंग प्लेयर हैं, अच्छा खेले, टफ मुकाबला हुआ है, कोई बात नहीं, आप पूमा की शर्ट पहन के बड़ा खुश हो रहे हो, मुश्किल नहीं है ना सर, ये बात है, देख वो नया लड़के उन लोगों को भी मौका देना चाहिए, खैर ये इतना वो बड़ा सीरीज नहीं है इन लोगों के साथ, खैर अगर एक दो मैच जीत गया कुछ नहीं जाते, लेकिन क्या है सेम अयूबिया भी उसका फर्स्ट मैच था, जैसे कि वो क्या नाम है दूसरा लड़का क्या बालर जमान खान हो गया, उसने देखा कितना अच्छा बन गया, दूसरा एहसानुल्लाह हो गया कितना टैलेंट के साथ आ गया, पहली बॉल तो उसको पहली बॉल पे उसने विकेट ले लिया, तो ऐसे नए लड़कों को आना चाहिए, कब तक रिजवान नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इससे नहीं होते, और भी आगे लेगा, और लोग भी बाहर बहुत बैठे उन लोगों को भी चांस देना चाहिए, तो ऐसे ही चलेगा। आप बताओ ये जो चांस दिया है नए लड़कों को, कम से कम मैं तो सरप्राइज हुआ हूं कि ये एकदम से कैसे प्रेशर में आ गए, मुश्किल नहीं है साहब जी, नए लड़के हैं, आस्ता आस्ता वो ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दो मैच बाकी हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान बैकअप करेगा, पाकिस्तान बाबर के बगैर टीम नहीं है, बाबर के बगैर टीम नहीं है, ये हम मानते हैं, ये सबर 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 सबर, ये हम मानते हैं कि बड़ा टीम तुम पाकिस्तान का बड़े जो खिलाड़ी था वो नहीं था, लेकिन नसीम शाह अपना जवाब इस मैच में वापस पकड़ दिया, जो पहले मैच में हमको जो बोला जो कर दिया वो जवाब मोहम्मद नबी उसको वापस दे दिया,
मेरी एक बात सुनो, अफगानिस्तान की टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर राशिद खान है, वो तो बात मालूम है सबको। ओके, आप क्या बोल रहे थे? माइक छोड़ दो, माइक। हम ये बोल रहे हैं इंशाल्लाह बदला हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, बदला हम लेंगे जोड़ेंगे। यार ये क्रिकेट में क्या बदला होता है यार? इंशाल्लाह सब भाई है ये टीम में, ये अक्सर कोई ना कोई जीते हारते, कभी ये जीतेंगे कभी हम जीतेंगे, इसमें हमें कोई किस्म की जो है ना भाई वाली खराब नहीं करना चाहिए, ये खेल है, कभी ये जीतेंगे कभी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताओ कि जब ये मैच शुरू हुआ, जब ये टॉस हुआ, जब ये टॉस हुआ आपको लगता था कि इतनी आसानी से पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा? यार किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये गेम में जो है ना हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है, इंशाल्लाह जीतेंगे। आइए हमारे भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब जो है ना पठान है। हम गेम पे ही बात कर रहे हैं, हम भाई तो है, गेम पे बात हो रही है। बात ये आज इनको मौका मिल गया, कल हमें मिलेगा इंशाल्लाह। सो पाकिस्तानी फैंस मौजूद है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, गेम में हार जीत लगी रहती है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बात सुने, आपकी टीम यंग टीम थी, और आपको लगता है कि अफगानिस्तान के उन्हें तो बड़े मुंडे सन, साढ़े छोटे मुंडे सन? मैं ये नहीं कहा जा सकता, हम इससे अच्छा खेल सकते थे, गलती अपनी माननी है, हमने जिस तरह खेलना चाहिए था नहीं खेला, नए प्लेयर्स हैं, इंशाल्लाह इसी तरह सीखेंगे आगे जाएंगे।